तो आज हम लोग शब्द विचार पर पढ़ने जा रहे हैं। जिस तरह से मकान बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है, उसी तरह से वाक्य बनाने के लिए शब्द का भंडार होना ज़रूरी है। शब्द को जोड़ते हैं तो एक वाक्य बन जाता है, और वाक्य को जोड़ते हैं तो एक बहुत बड़ा कहानी बन जाता है, अर्थात एक ऊंचा और भव्य महल तैयार हो जाता है। इसलिए आज हम लोग बच्चों मॉर्फोलॉजी शब्द विचार पर वर्णन करने जा रहे हैं, इसके संबंध में पढ़ना है। ये हिंदी व्याकरण का एक प्रारंभिक बेस है। ये सब नाइन्थ क्लास हो या टेन हो या सिक्स हो या सेवन हो या एट हो, सबों के लिए यह ज़रूरी है। जिस तरह से बायोलॉजी पढ़ते हैं बच्चों, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, जूलॉजी पढ़ते हैं, उसी तरह से हिंदी व्याकरण में मॉर्फोलॉजी पढ़ना है। अब आइए मॉर्फोलॉजी शब्द विचार क्या है। तो वर्णों के सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं, जैसे अगर हमको कलम लिखना है, क प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म प्लस अ कलम, ये सार्थक पहले क है तो यह क प्लस अ है, उसके बाद ल है तो ल प्लस अ है, उसके बाद म है तो म प्लस अ है। जब हम वाक्य में इसका उपयोग करते हैं तो यह शब्द विचार कहलाता है। शब्दों पर होने वाले उचित विचारों को शब्द विचार कहते हैं। परीक्षा में वर्ण विच्छेदन पूछता है कि निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेदन करें, कलम रहेगा तो कलम को ऐसे वर्ण विच्छेदन करना है, तो आपको अच्छी तरह से आएगा तब तो वर्ण विच्छेदन कर सकते हैं। मैट्रिक की परीक्षा में पूछता है, इंटर के परीक्षा में पूछता है, तो इन सबों में आपको जो है सो स्टार्टिंग बेस बना हुआ रहेगा, तब तो आप एक ऊंचा महल और भव्य महल बना सकते हैं। अब आइए शब्द पर विचार क्या है। शब्द का पर विचार चार प्रकार से किया जाता है, शब्दों का भेद। अब शब्द और पद में के बाद है शब्द के भेद। शब्द का भेद शब्द का भेद पहला उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं। पहला तत्सम तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। अब बच्चों अब आपको ये समझना है कि शब्द का वर्गीकरण चार प्रकार से होता है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर,
चौथा प्रयोग के आधार पर। तो बच्चों, मैं अभी उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद करने जा रहा हूँ, इसके बाद होगा रचना के आधार पर, उसके बाद होगा अर्थ के आधार पर, उसके बाद होगा प्रयोग के आधार पर। तो हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद करने जा रहे हैं। यह हमारा प्राचीन हिंदी व्याकरण का जब रचना हुआ था उस समय जो शब्द का वर्गीकरण हुआ था वो उत्पत्ति के आधार पर हुआ। वो चार प्रकार के हैं। पहला तत्सम। तत्सम मतलब क्या होता है? तत् जोड़ सम, मतलब कि संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। जो पहला तत्सम, जो हिंदी भाषा में लिया गया है उसे तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, आग, सूर्य, सूरज। अब बच्चों, अब आपको समझना ये है कि जो शब्द जो है, तो तत्सम शब्द है जो पहला है, तत्सम संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में लिया गया है उसे तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि शब्द हमारे प्राचीन शब्द है, जो जब प्रकृति का स्थापना हुआ था, तो जब मानव सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ था, तो सबसे पहले अग्नि को ही मानव ने आविष्कार किया था, आग को ही आविष्कार किया था। तो देखिए, अग्नि से आग बना हुआ, तो ये तत्सम है, ये तद्भव है, माने दोनों का बराबर है। उसके बाद सूर्य बोलते हैं, सूर्यमुखी, आ उसको कहते हैं सूरज। सूरज शब्द जो है ये तत्सम है, ये तद्भव है, दोनों का माने एक ही है। तो यही फर्क है तत्सम और तद्भव में। तीसरा शब्द है देशज। देशज शब्द, हमारे देश में जो शब्द जन्म लिया है, देश आजोर ज, माने देश में जन्म लेने वाला, हमारे देश के अधीन का शब्द जो किसी अन्य भाषा से नहीं है उसका कोई मतलब, देश जोर ज, देशज हमारे देश की बोल चाल की भाषा में देशज कहते हैं।
देखो बच्चों, जैसे लोटा, लोटा एक ऐसा शब्द है जो किसी भाषा से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, वो हमारी इंडिया का शब्द है। जैसे लोटा, मोटा, सोटा, सोटा, खिचड़ी, डेविया। अब बच्चों शब्द पढ़िए, इंडियन वर्ड्स है, हमारे देश की भाषा का शब्द है, इसका ताल्लुकात किसी भी भाषा से नहीं है, इसलिए ये देशज शब्द कहलाते हैं। देशज का मतलब है देश जोड़ ज, माने देश में जन्म लेने वाला, अपने देश में जन्म लेने वाला। इस भाषा का प्रयोग केवल हमारे देशवासी अपने प्रयोग में, अपने व्यवहार में, अपने बोलचाल में करते हैं। जैसे लोटा, मोटा, सोटा, खिचड़ी, डिबिया। एक कहावत है बच्चों कि जाड़े जाड़ा में मोटा आ गर्मी में लोटा आ बरसात में सोटा, साथ में रखना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये शब्द देसी देशज शब्द है, हमारे इंडियन कल्चर में जो हमारे पूर्वज लोग थे वो कहीं चलते थे तो अपने साथ में मोटा, लोटा और सोटा तीनों ले के चलते थे। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर साथ में मोटा है माने बिछावन है, खाने पीने का सामान है, तो कहीं भी खा लीजिएगा, कहीं भी बिछा के सो जाइएगा। साथ में लोटा है अगर तो आप कहीं भी स्नान कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, अपना दैनिक कार्यक्रम कर सकते हैं। और साथ में अगर सोटा है तो कुत्ता और मनचले दोनों अगर सामना हो जाए तो इस सोटा से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए व्यावहारिक जीवन में बताया है तो ये सब हमारे दैनिक देश की बोलचाल में प्रयोग शब्द होता है। जैसे खिचड़ी, खिचड़ी पकाना मतलब होता है योजना तैयार करना, षड्यंत्र रचना, और अपनी खिचड़ी अलग पकाना का मतलब हुआ कि अपना षड्यंत्र अपने स्तर से रचना, अपना काम अपने स्तर से अंजाम देना, इसका मतलब हुआ अलग होकर कोई काम करना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ये बात आप अमेरिकन आदमी से पूछिएगा, इंग्लैंड के आदमी से, रूस के आदमी से, जर्मन के आदमी से, तो वो नहीं कुछ समझ पाएंगे कि खिचड़ी पकाना मतलब मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय खिचड़ी पकाना, वो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इंडियन आदमी से पूछिएगा तो ज़रूर समझ जाएंगे। तो ये देशज शब्द कहलाता है। अब है चौथा है विदेशज। अब बच्चों जितने भी शब्द हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आते हैं जो विदेशी भाषा से लिया गया है, परंतु हम अपने देश में उसका प्रयोग करते हैं, उसे विदेशी विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे स्टेशन, जितने भी आदमी आते हैं तो बोलते हैं स्टेशन, जहाँ रेल पड़ाव उसका हिंदी में होता है। कहने का अर्थ है कुछ ऐसे शब्द है जो है विदेशी भाषा से लिया हुआ, परंतु उसका इस्तेमाल हम अपने व्यावहारिक जीवन में करते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। चौथा बच्चों, इससे इसमें नामे में स्पष्ट है
इसमें नामे में है स्पष्ट है, विदेश जोड़ ज बराबर अपने देश में जन्म लेने वाला स्पष्ट हो जाता है बच्चों। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो तुम स्पष्ट समझ जाओगे। एग्जाम्पल भी हम तुमको ऐसा दे देते हैं कि हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब ये है विदेशज, विदेश जोड़ जा विदेश परदेश में जन्म लेने वाला। परंतु देखो बच्चों, वैसे सभी शब्द जो विदेशी भाषा से लिया गया है, परंतु इसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे अब देखिए, चाय शब्द है। जब हमारे देश में अंग्रेज आए तो सारे भारतीयों को चाय पिलाने का लत लगा के भाग गया है यहाँ से, और हमारा देश के भोले भाले जनता उसके चाल में फंस कर आज चाय का आदि बन गए हैं। ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ सुबह सबसे पहले चाय नहीं बनता है। जिस घर में चाय नहीं बनता है आज वही घर स्वस्थ है, वही घर स्वस्थ है और स्वच्छ है। परंतु जिस घर में सबसे पहले उठ कर के चाय बनता है आज देखो बीमारी ज़्यादा उसी घर में है। तो अंग्रेज आया और हम लोगों को बीमार बना दिया। बच्चों, चाय शब्द का प्रयोग और प्रचलन विदेशी भाषा विदेशी से हुआ है। हमारा कल्चर में चाय शब्द कहीं नहीं था। अंग्रेज आया और सारे भारतीयों को चाय का लत लगा दिया। अब हम चाय शब्द का प्रयोग करते हैं तो चाय शब्द चीनी भाषा से लिया गया है, चीनी भाषा से। अगर लीची शब्द कहें बच्चों, लीची वो भी चीनी भाषा से ही लिया गया है। हम अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। आज हम लोग रिक्शा पर चलते हैं, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां रिक्शा नहीं है, और उसका इस्तेमाल हम लोग रिक्शा कहते हैं। लेकिन रिक्शा का रियल माने होता है त्रिचक्रयान। रिक्शा त्रिचक्रयान मतलब तीन पहिया वाला सवारी, लेकिन बोलते हैं रिक्शा। कोई त्रिचक्रयान कोई नहीं कहता है। एक्यूरेट मीनिंग उसका होता है त्रिचक्रयान। साइकिल कहते हैं या बाइसिकल कहते हैं, लेकिन उसका एक्यूरेट मीनिंग द्विचक्रयान होता है। किसी भी आदमी से पूछिए तो साइकिल बाइसिकल यही कहेगा, लेकिन द्विचक्रयान कोई नहीं कहेगा। तो इस समझने की बात है, ये विदेशी भाषा से लिया गया है जिसको हम लोग विदेशी शब्द का भी प्रयोग करते हैं। जैसे रिक्शा जापानी भाषा से लिया गया है,
उसी तरह से कैंची तुर्की भाषा से लिया गया है, खत अरबी भाषा से लिया गया है। बच्चों हैं, खत शब्द का प्रयोग अरबी भाषा से, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं, खत बोलते हैं, कोई चिट्ठी बोलता है, कोई पत्र बोलता है, हाँ, ये सब का सब हमारे विदेशी भाषा से प्रयोग किया गया है। और प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अब आइए कैंची शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं, परंतु उसका प्रयोग अब देखिए, कैंची के बाद अगर हम पूछे जैसे कानून, ऐसा कोई देश नहीं है जहां कानून नहीं है, बना हुआ कानून नहीं है, चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी देश हो, सब देश का अपना कानून है। बिना कानून का कोई देश नहीं है, बिना नून का कोई खाना नहीं बनता है, उसी तरह से बिना कानून का कोई देश नहीं चलता है। तो कानून शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। कूपन शब्द का प्रयोग करते हैं अपने जीवन में बच्चों, कूपन फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। तुम अपने जीवन में देख लो, इतना हमको याद है जो उतना हम लिख दिए, इसी तरह से शब्द का निर्माण है तुम हर वर्ड का। हाँ, एक और शब्द है, ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ गमला नहीं है, बिना गमला का कोई घर नहीं है। किचन में भी गमला में लोग आटा सानते हैं और गमला में फूल लगा के लोग ऊपर महल में रखते हैं, अपना कैंपस में लगाते हैं। तो गमला शब्द का कितना प्रयोग करते हैं, अपने घर में भी प्रयोग करते हैं। लेकिन पता है कि गमला कौन भाषा का शब्द है? गमला जो है पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। देख लीजिए बच्चों, अब आप खुद ही अंदाज कर लीजिए कि विदेशी शब्द क्या होता है। सो हमने इतना एग्जाम्पल दे दिया कि आप खुद ब खुद समझ जाइएगा। इसको हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, चाय शब्द का प्रयोग करते हैं, लीची खाते हैं, अब लीची का सीजन आ गया है, कूपन देखिए, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें कूपन नहीं है। पहले मोबाइल लोग भराते थे तो पहले कूपन ही भराते थे, आज भी गिफ्ट कोई सामान खरीदने जाइएगा तो वही में कूपन मिल जाएगा आपको। तो कूपन शब्द कितना आराम से यूज करते हैं, कूपन का माने सब आदमी समझ जाता है। लेकिन उस आदमी से पूछिए तो कूपन कौन भाषा से लिया गया है, कूपन शब्द जो है सो फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। रिक्शा पर चढ़ते हैं, आराम से चलते हैं, बहुत रिक्शा है अपने टाउन में, लेकिन रिक्शा शब्द किस भाषा से लिया गया है किसी को जल्दी नहीं पता है। रिक्शा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है, उसका हिंदी होता है त्रिचक्रयान। कैंची जलिए, कोई भी कपड़ा के दुकान पर चल जाइए तो वहाँ कैंची होगा, कोई भी आप जो है सो सैलून में जाइए तो वहाँ कैंची मिल जाएगा आपको, डॉक्टर के पास जाइएगा जो सर्जरी करता है वहाँ भी कैंची मिल जाएगा आपको, दर्जी के पास जाइएगा तो वहाँ भी कैंची मिल जाएगा, इतना जगह पर इतना पढ़े लिखे लोग के पास मिल जाएगा कैंची। लेकिन उनसे पूछिएगा कि कैंची शब्द तो है, कैंची तो है, लेकिन कैंची शब्द किस भाषा से बना है, कैंची शब्द के बारे में कुछ समझाइए, तो वो चुप हो जाएंगे, उनको पते नहीं है। कैंची है मगर कैंची शब्द कहाँ से आया ये पता नहीं है। तो बच्चों, अब तुम्हारा एफिशिएंसी इस पर निर्भर करता है कि तुम कितना इसको एक्सपर्ट और मजबूत बना सकते हो। ये तो तुम्हारा उत्पत्ति के आधार पर मैंने चारों के बारे में वर्णन कर दिया,
अब दूसरा आधार है रचना या बनावट के आधार पर। तो ये सवाल इसको मैं मिटा देता हूँ बच्चों। अब दूसरा प्रयोग शब्द का वर्गीकरण जो हम करेंगे वो दूसरा है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग नहीं रचना या बनावट के आधार पर। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर ये बच्चों सॉरी बनावट रचना। बनावट मतलब हाथ से बनाया गया। कहता है कि इस मकान की बनावट बहुत ही अच्छा है। ये रचना का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, बनाया गया। जो बनाया गया चीज होता है उसी को बनावटी कहते हैं। जैसे फूल हाथ से बनाते हैं, अगर आप गुलाब का फूल हाथ से बनाइएगा, उस पर कलर रख दीजिएगा और उस पर सेंट भी रख दीजिएगा तो उसमें खुशबू आ जाएगा। ये भी सही है, जैसे गुमसर बनाते हैं। देखिएगा 15 अगस्त आता है तो तरह तरह के फूल लोग कैंची से काट करके बनाते हैं। अब जो है ये शब्द जो है ये फूल और बनावट ये दोनों पर देखिए, जो बनावट मतलब बनाया गया, तो फूल तो आप कागज़ के बना लेते हैं, उसको आप गुलाबी कलर से कलर भी कर देते हैं, उस पर सेंट भी लगा देते हैं और उसे टेबल पे सजा देते हैं। परंतु बच्चों जो रियल में गुलाब वास्तविक गुलाब है वो अगर कहीं पर रहता है अकेले तो वो 5 ठो अगर बनावटी गुलाब है फिर भी वह 5ों पर भारी पड़ जाता है वो गुलाब। तो रियल जो होता है वो वाकई रियल होता है, वो थोड़ा ही होता है मगर बहुत मजबूत होता है, और बनावटी बहुत भी होता है तो वह थोड़ा ही होता है। तो ये रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं बच्चों। तीन भेद हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। अब बच्चों पहला रूढ़ है जिन शब्दों को आपस में अलग करने पर उसे जिन शब्दों को आपस में अलग करने पर दोनों खंड का अर्थ
निकल जाए उसे यौगिक कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, दोनों का अर्थ निकलता है इसमें, विद्या का भी आलय का, दोनों का निकल रहा है, इसलिए विद्यालय हुआ। लास्ट है तीसरा योग रूढ़, जो शब्द सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे गंगाधर, मतलब गंगा जोड़ धर, मतलब गंगाधर भोलेनाथ बराबर शिव, गंगा को धारण करने वाले शिव, गंगाधर का मतलब शिव हुआ, मुरलीधर मतलब कृष्ण हुआ, धनुर्धर मतलब राम हुए, तो ये शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। अब बच्चों ये दोनों पार्ट के बारे में आप अच्छी तरह से पढ़कर आएंगे तो अब हम इस पर एक्सरसाइज कराएंगे। धन्यवाद बच्चों।